द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ब्रेन को, अभी मैं मेंटल हेल्थ के अलावा जो नॉर्मल हेल्थ की अगर हम बात करें, वो ये होता है कि यार मेरे हाथ में दर्द हो गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ. लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ का इशू जो ये होता है वो ये होता है कि हमें एक्चुअली इस बात का पता ही नहीं चलता कि यार आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस थिंग. आई मीन वी जस्ट फील दैट वो मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है, यानी मैं बस यार लाइफ ही ऐसी है, लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज जस्ट कीप कंप्लेनिंग एंड ऑल. आपको ये पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली यू आर गोइंग थ्रू अ मेंटल क्राइसिस, अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, बिकॉज हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है. और एक जो बहुत ही टिपिकल इशू, जैसे हमने कल स्ट्रेस के हवाले से बात की ना, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. मैंने आपको ये भी बताया था कि दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, देयर इज अ यू स्ट्रेस एंड देयर इज अ डिस्ट्रेस. द यू स्ट्रेस इज अ गुड स्ट्रेस, इट शुड बी देयर. यू स्ट्रेस गेट्स यू गोइंग, इट कीप्स यू मूविंग. आई लव यू स्ट्रेस, आई लाइक टू डू माई थिंग्स एट द वेरी लास्ट मोमेंट बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क अंडर सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस. I think it gets the best out of me. मेरी philosophy है. But there is distress, which is जबरदस्ती का pressure. ऑफिस का माहौल जिस तरह का होता है, घर का माहौल, इंसान जाता है ऑफिस में, जाता है घर में, जाता है, अजीब वो गरीब वहां का उसको माहौल मिल रहा होता है जिससे वो एक सर्टन स्ट्रेस में आ जाता है. Now what about depression? एक जमाने में मुझे याद है, मैंने बचपन में पहली बार जब डिप्रेशन का वर्ड सुना था, वो पीटीवी की एक डॉक्यूमेंट्री थी मेंटल हेल्थ के ऊपर. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट आई रिकॉल आई वॉच्ड ऑन मेनस्ट्रीम मीडिया. मैं mid-90s early 90s की ये बात कर रहा हूँ. और उसमें काफी सारे लोगों का ये कहना था कि डिप्रेशन दरअसल जो हायर सोसाइटी है उनका एक तरह का एक एक्सक्यूज है ऑफ नॉट गेटिंग थिंग्स डन. एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड बाय दिस सॉर्ट ऑफ, मेरे लिए नया वर्ड था. एंड आई वाज लाइक वाओ, आई मीन एक बीमारी है जिसका एक डॉक्टर बैठा हुआ कह रहा है कि नहीं यार ये एक बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बीमारी है नहीं, ये तो सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं उनका एक एक्सक्यूज है. वाओ, अमेजिंग. सो व्हाट आर दोस साइंस ऑफ डिप्रेशन? सी द पॉइंट इज के आई मीन हमें अपना जरा माइंडसेट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई, हमें ना माइंडसेट बदलना पड़ेगा. हमें अगर बुखार होता है तो जाहिर है हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और हमें डिप्रेशन होता है तो जैसे कहते हैं ना कि हमारा ये होता है कि शक भी ना पड़ेगा, हम डॉक्टर, हम सोच भी रहे हैं किसी मेंटल किसी हेल्प के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए. सो डिप्रेशन जो है उसकी व्हाट आर द साइंस, कैसे फील करें, हाउ डू नो दैट यू आर गोइंग थ्रू अ डिप्रेसिव फेज? यस यू नो आई एम अंडर डिप्रेशन, यार टेंशन हो रही है, वो फलाना है चीजें. बट व्हेन डू यू नीड टू सीक मेडिकल एडवाइस? सो आई मीन होपलेसनेस, फीलिंग्स अबाउट लाइफ, यानी बिल्कुल जैसे कहना ना जिंदगी के हवाले से उम्मीद खत्म हो जाना. यू नो दिस कैन लीड टू सुसाइडल थॉट्स. कि आपको हुआ ऐसा? इस पे मैं आता हूँ, इस पे मैं, ये आखिरी पॉइंट है इनफैक्ट, बिकॉज जो उसकी एक्सट्रीम थॉट है वो यहाँ पर आती है. लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट यू फाइंड फनी, दैट यू फाउंड फनी बिफोर, या थिंग्स दैट यू वर इंटरेस्टेड इन बिफोर, जो चीजें आपको पहले पसंद थी, यू आर लूजिंग इंटरेस्ट ऑन दोस थिंग्स. आई मीन यू वर क्रेजी अबाउट वॉचिंग स्पोर्ट्स, योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली न्यू के यार जिस वक्त खेल चल रहा है इस बंदा, बट देन आप इतने बददिल हो गए उसके साथ कि आपका दिल भी नहीं चाह रहा. नो आई मीन ऑफ कोर्स दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, इवन योर टीम इज डूइंग ग्रेट, बट यू फाइंड नो इंटरेस्ट इन दैट. नो कि यार नहीं यार, यू आर अ मैनचेस्टर सिटी सपोर्टर, द टीम इज स्टिल डूइंग गुड, बट यू फील नहीं यार दिल नहीं चाहता मैच देखने का. इंक्रीज फटीग एंड स्लीप प्रॉब्लम्स, हर वक्त एक थकन का एहसास रहना, नींद, अच्छा थकन होने के बावजूद नींद ना आना, ये भी एक होता है ना फैक्टर. आप थके हुए बट यू नॉट एबल टू स्लीप, दिन में रात में 2 या 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम आप सो पाते हैं, इवन दो यू फील फटीग, यू फील टायर्ड थ्रू आउट द डे. ओके, एंग्जाइटी अबाउट स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें अपने ऑफिस में, छोटे छोटे काम, एक मामूली सा एक ईमेल है जिसका जवाब आप देना मिस कर, जबकि उस ईमेल का इन अ बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स शायद कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट ना हो, एक छोटा सा असाइनमेंट आप मिस कर गए अपने स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का. यू फील एंग्जाइटी अबाउट दैट. चेंजेस इन हंगर, eating too little or too much. Remember we talked about eating too much yesterday. This can be a very bad manifestation of depression because it can lead, बहुत सारे लोग मोटे हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें भूख लगनी शुरू हो जाती है, वो खाना शुरू कर देते हैं. But there are a lot of people who start losing their weight. जो लोग इस फेज से गुजर रहे होते हैं उसमें काफी कमजोर होना लोग शुरू होते हैं क्योंकि उनको भूख नहीं लगती है, खाना becomes something very secondary for them. Then there is a weight gain and loss, ठीक हो गया. और then there is uncontrollable emotions like weeping, anger, smallest reasons. I mean, we've all gone through that thing. कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप hopelessness की उस situation में आते हैं, आपको दिल चाहता है कि मैं रोऊं. You don't know the reason, you just want to cry. Why? बस रोना है यार मुझे. हर जगह आपको ना एक होपलेस चीज नजर आ रही है, दुनिया की रंगीनियां, खूबसूरतियां जो आपको एक जमाने में बहुत एंटाइस किया करती थी, खुश किया करती थी, they are no more doing that. You just feel like crying. And then of course suicidal thoughts. Remember the first thing that I said. यानी ये ख्याल आपके दिमाग में आ जाना शुरू हो जाना कि यार इस जीने से तो मरना ही बेहतर है, because this is the worst manifestation of depression. सब कुछ आपके सामने, अल्लाह की हर नेमत आपके सामने. जरा देखिए अपनी जिंदगियों को. गाड़ी है, बेहतरीन घर है, बेहतरीन नौकरी है, एक अच्छी फैमिली है, लेकिन यू आर अंडर डिप्रेशन. पीपल कमिट सुसाइड, पीपल डू कमिट सुसाइड. एक बिल्कुल नॉर्मल देखने वाले बच्चे जो हैं वो सुसाइड, या नौजवान जो हैं, नौजवानों में ये सुसाइडल थॉट्स वाली चीज जो है ये बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई है. सो गाइस, दीज आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन. जस्ट पुट योरसेल्फ देयर. सी, सिर्फ अपना एहतिसाब कीजिए. ये जो मैंने 7 या 8 चीजें आपको बताई हैं, आप इसमें 3 या 4 कंडीशंस में फॉल कर रहे हैं. यू नीड टू सीक सम एडवाइस. ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है, आपको आपका साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ये कहे कि यू आर जस्ट फाइन, दिस नथिंग, जस्ट गो एंड मे बी ही विल गिव यू सम ट्रीटमेंट और समथिंग. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सीक मेडिकल एडवाइस. किसी को जाके मिलिए, देखिए, अपने अंदर अंदर जो है ना मत घुटिए अपने आप को, अपनी जिंदगी को खराब मत कीजिए. सिवेरिटी के लिहाज से ऑफ कोर्स इसकी ट्रीटमेंट जो है मुख्तलिफ होती है, लेकिन मेडिसिन इसके लिए दी जाती हैं. अक्सर डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो हैं बाकायदा दी जाती हैं. और इसके अलावा ये भी याद रहे कि सरकारी अस्पतालों में भी अभी ये चीज़ अवेलेबल है. लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ के हवाले से लोगों की अंडरस्टैंडिंग इज इम्प्रूविंग नाउ. मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑफिस के मामलात के साथ लिंक कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस ऑफिस थिंग. आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज इन माई ऑफिस एज वेल, जहाँ पे कभी कभार दिल जाता था बस ये सब चीजें छोड़ छाड़ के बस सब खत्म हो जाएगी. ऐसा फील होता है आपको, बम फट जाए. सीरियसली स्पीकिंग गाइस, आई मीन खत्म हो जाए सब यार. आई जस्ट डोंट वांट टू वर्क, आई डोंट वांट टू गो टू द ऑफिस. यू आर इन अ सीरियस डिप्रेसिव फॉर्म. यू नीड टू चेंज द सर्कमस्टांस. वो कैसे होगा वो हम बाद में बात करेंगे कि इसको फाइट. लेकिन यस, आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज सीक सम एडवाइस. जाइए डॉक्टर के पास, जाइए, मिलिए, ढूंढिए. गो ऑन द इंटरनेट, सर्च. इफ यू आर फीलिंग, Contact me. Maybe, yes, there are certain psychiatrists and psychologists जो हमारे listeners के group में हैं. If you want to offer your help, please contact me. Okay, my Twitter inbox is open @adeel_azhar. आप बहैसियत एक psychiatrist या psychologist अगर मदद offer करना चाहते हैं, please get in touch with me. कि यार you can route people to me in this city. And if you feel that you are going through, मैं कोई ज़ाहिर है मैं खुद तो आपको advice नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने experiences share कर सकता हूँ. आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं. आई कैन राउट यू टू वन ऑफ द प्रैक्टिशनर. लेकिन जो खामोशी है वो मौत है. खामोश मत रहिए, इसका इलाज कीजिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कर्टेल योर डेवलपमेंट इन लाइफ. इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर रिलेशनशिप. मुझे याद है हमारे एक डिपार्टमेंट के एक हमारे बैंक के बहुत बड़े अफसर हुआ करते थे जो कि एक दूसरे बैंक चले गए अचानक छोड़ के. बहुत बड़े मल्टीनेशनल बैंक चले गए थे, वहाँ की बहुत बड़ी पोजिशन पर चले गए. और वहाँ के माहौल की वजह से वहाँ पे जो एक मेंटल टॉर्चर उनको मिल रहा था, वो ऐसे एक फेज में आ गए थे. जब मैं उनसे मिला था तो मुझे बिल्कुल वो हवनक से लगे थे. वो वापस फिर हमारे बैंक में आ गए. उन्होंने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली. तो उन्होंने कहा था, अदील, मैं ऐसे डिप्रेशन में आ गया था उस माहौल की वजह से कि वो जो सब्जी वाला बैठा हुआ होता था ना, मैं अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह मुझे तू वो सब्जी वाला बना दे. उसकी जिंदगी में मुझसे कम, मेरे पास, वो प्राडो में ऑफिस जाते थे, सब कुछ था, बेहतरीन टाई शाई, बेहतरीन. कहते थे, या अल्लाह मुझसे सब ले ले, मुझे ये बंदा बना दे. This is Mera FM 107.4.